हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विगी जो कंपनी के बारे में। इस स्विगी के यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है, तो अगर आप स्विगी के जिस कंपनी के साथ जुड़ के अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर के ब्राइट करने के लिए या आपके करियर के जो कि है और भी करियर करने के लिए, तो स्विगी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। आप यहाँ से कोई एक पोस्ट के अप्लाई करके आप इसमें जुड़ सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्विगी में क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है और कौन कौन कहाँ कहाँ इस पोस्ट क्या जॉब के लोकेशन कहाँ की ऑल डिटेल्स मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, स्विगी के जो इस पेज में आपको पहले आपको आना हो, तो इसका जो इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा नीचे जाना होगा। थोड़ा नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं ओपन पोजिशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस जिस पोजिशन या कहाँ कहाँ निकला हुआ है इसका पोस्ट, तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सिटी में। तो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेंगलोर सिटी में, तो बेंगलोर सिटी में जो पोस्ट निकला हुआ है वो है बिजनेस एसोसिएट के जो निकला हुआ है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद भी नीचे और भी जो कि है पोस्ट निकला हुआ है फॉर बेंगलोर सिटी के लिए, तो नीचे और भी सिटी के नाम अगर है तो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उस सिटी के कोई अगर पोस्ट निकला हुआ है तो आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, देहरादून के लिए भी निकला हुआ है एरिया ऑपरेशन मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग, तो ये सब पोस्ट जो है देहरादून सिटी के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुवाहाटी सिटी के लिए असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग, ऑपरेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये था गुवाहाटी सिटी के लिए। उसके बाद हम चला आता है हैदराबाद सिटी के लिए, हैदराबाद सिटी के लिए ही बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है। तो फ्रेंड, और आप लोगों के एक रिक्वेस्ट है तो कि आप लोग ये सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सिटी के अंदर क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है। आप जिसमें सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सिटी में जाके जो पोस्ट निकला हुआ था, आप अगर उस पोस्ट के साथ आपका क्वालिफिकेशन मैच हो जाता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो फास्ट है बेंगलोर सिटी के लिए, तो बेंगलोर सिटी के जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एंड फिनेंस मैनेजर, तो मैं यहाँ पे आप लोग को जस्ट देख बोल रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप जो अगर कोई भी पोस्ट के अंदर अगर आप चाहते हो इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करूँगा, तो इस पोस्ट के लिए उस पोस्ट के नीचे जो लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। व्यू डिटेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो जॉब डिटेल्स है यहाँ पे सब कुछ चला आया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जॉब समरी जो कि लिखा हुआ है दिस पोजीशन विल बी अ पार्ट ऑफ द फिनेंशियल प्लानिंग एंड एनालाइज टीम, की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक प्लानिंग, बजटिंग, MIS एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग, एड्रेसिंग इन्वेस्टर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसिव फॉरेस्टिंग। तो ये था जॉब का की कौन जॉब का समरी। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए MBA इन फिनेंस, अगर MBA या BCOM में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपको अकाउंट में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, ये था इसका क्वालिफिकेशन। अगर आपके साथ ये क्वालिफिकेशन मिल जाता है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका एक जो रिज्यूम या CV आपको यहाँ पे देना होगा।
देने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई बटन आप लोग देख सकते हैं, इस अप्लाई बटन को आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक SMS या आएगा कि आप अप्लाई किए, उसके अगर आपके CV जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है या आपको CV जो है सिलेक्टेड अगर होता है, तो आपके पास एक ईमेल या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो स्विगी कंपनी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट या ईमेल कर देगा। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ये जॉब हो जाएगा। तो ये था स्विगी के तरफ से कुछ पोस्ट जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए निकला हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं स्विगी में काम करना तो आप लोग काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को आप लोगों को बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।